तो चलिए, इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म हुई हैं और 21 जून से बिग बॉस OTT 3 आ रहा है। हालांकि बिग बॉस का अगर मैं नाम लूं तो अक्सर हमारे सामने सलमान खान की ही छवि आती है। सलमान खान का जो तेवर है, स्वैग है, उसे इस बार रिप्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं अनिल कपूर एकदम झक्कास अंदाज में। आज जो प्रोमो आया है, लगभग 1.25 मिनट का प्रोमो है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो देखा ही होगा। और उस प्रोमो से कुछ चीज़ें जो हैं शो के शुरू होने से पहले ही क्लियर हो जाती हैं कि भले ही गेम वही हो लेकिन इस बार जो है रूल नए होंगे। तो इस बार शो के होस्ट ही नहीं बल्कि रूल भी नए होने वाले हैं और सब कुछ बदलने वाला है। थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा मैजिक होने वाला है। तो आप लोगों ने प्रोमो देखा ही होगा और प्रोमो में जिस तरीके से अनिल कपूर की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि सबने पूछा अब क्या ही बाकी है एके, मैंने पूछा क्या क्या बाकी है एके, भला बुरा खरा खोटा पानी आग गाली ताली सब देखा सब सुना, अब मेरी बारी रूल नया गेम वही, लड़ेंगे भिड़ेंगे चिड़ेंगे टिकेंगे पता नहीं, थोड़ा लॉजिक थोड़ा मैजिक। तो बहुत हो गया झक्कास, अब करते हैं ना कुछ खास, अब सब बदलेगा। तो ये जो लाइन है ना कि बहुत हो गया झक्कास, अब करते हैं कुछ खास, अब सब बदलेगा, इसी लाइन से ये पता चल जाता है कि इस बार बिग बॉस OTT 3 जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नए बदलाव लेकर आ रहा है। हालांकि बिग बॉस के अगर मैं नाम कहूँ अभी तक OTT में तो कुछ नाम सामने आए हैं लेकिन इनमें से कॉन्फर्मेशन किसी का नहीं। एक सना मकबूल का नाम ऐसा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो आ सकती हैं। शिवांगी जोशी का नाम आया था, हालांकि मुझे लगता नहीं कि शिवांगी ये शो करेंगी। नुपुर सैनन का नाम आया था जो कि उन्होंने डिनाई कर ही दिया था। तो शो शुरू होने से पहले कई ऐसे नाम आते हैं लेकिन आखिर में ही, मतलब जब शो शुरू होता है तो प्रीमियर की नाइट ही पता चलता है कि आखिर इस शो का हिस्सा कौन कौन बना है। लेकिन इस बार शो के होस्ट नए हैं और प्रोमो को आए, लगभग 1.25 मिनट का प्रोमो है, काफ़ी घंटे हो गए हैं, 4-5 घंटे। मैं सोशल मीडिया पे कुछ रिव्यूज़ पढ़ रही थी तो लोगों ने सलमान खान की टक्कर में अनिल कपूर जो इस तरीके का जो प्रोमो आया है उनके कड़क तेवर की जो है तारीफ की है। कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं और उनका कुछ लोगों का कहना है कि सलमान ही इस शो को जो है बहुत अच्छे से होस्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस स्वैग के साथ और कड़क तेवर के साथ ये बिग बॉस का अनिल कपूर के साथ जो ये नया प्रोमो आया है उसको देखने के बाद एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। क्योंकि इस प्रोमो से एक चीज़ साफ हो गई है कि इस बार शो वैसा नहीं होगा जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं। थोड़ा सा लॉजिक होगा, थोड़ा सा मैजिक होगा, सब कुछ बदलेगा। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस शो को देखने के लिए? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि प्रोमो को देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।